सो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आरजी टेक्निकल बॉय यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो कि आप लोगों के लिए एकदम बेस्ट एप्लीकेशन लेके आ गया हूँ, अगर आप अपनी फोटो से एल्बम बुक बनाना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। यहाँ पर जो कि आपको कुछ इस तरीके का एप्लीकेशन लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें कि अगर आप अपनी फोटोज़ को व्यू करोगे देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि आप बुक पढ़ते हो, उस तरीके से यहाँ पे पेज स्लाइड होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो यहाँ पर जो कि आपको इस पर क्लिक करना है और न्यू एल्बम, यहाँ पर आप अपने इस एल्बम का नाम डाल देना, जो भी आपको नाम डालना हो। तो यहाँ पर जैसे मैंने इस तरीके से डाल दिया क्योंकि मेरे में पहले से एक फाइल है उमेश नाम से। तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो कि आपको कुछ इमेजेस आपको इसमें सिलेक्ट करनी होती हैं, तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद जो कि आपको यहाँ पर नीचे एक प्लस का आइकन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करके अपने जो इमेजेस जो है सिलेक्ट कर लेना। तो चलिए मैं अपने यहाँ पर जो कि कुछ फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ये मेरी फोटो है तो इन सबको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो कि इसमें कोई लिमिट नहीं कि आप कितनी फोटो डाल सकते हो, आप 1500 जितने भी आपकी फोटो, जैसे सारी फोटो एक बुक के अंदर आप इन्हें एकदम बुक की तरह आप इन्हें चला सकते हो। तो यहाँ पर आपको पेज अपना सिलेक्ट करना है किस पेज में रखना। तो यहाँ पर एल्बम बुक जो लिखा है यहाँ पर आप इसको रखना है मुझे, और आगे वाले पेज वाले इसको रखना है नेक्स्ट पेज में। आप इसमें पेज सिलेक्ट कर लेना कि किस पेज में आपको कौन सी फोटो अपनी रखनी है। तो जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर नीचे जो आपकी फोटो रहती है इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपकी जो कि फोटो एक जाके इसके अंदर ऐड हो जाएगी। और अभी हमारी एक लास्ट फोटो बच रही है तो इस पेज में ये वाली आ जाएगी हमारी। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी। उसके बाद अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे हम कोई पेज पलटते हैं उस तरीके से यहाँ पर जो कि हमारी फोटो देख सकते हो पलट रही है, आप देख सकते हो किस तरीके से। और इसी तरीके से आप ऐसा लगता है जैसे रियल में हम जो कि कोई बुक के पेज पलटते हो उस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो या पलट रहा है जैसे, या फिर ये रियल में ही कोई फोटो हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से है, जो कि बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। ये मुझे तो बहुत ही पसंद आई। आप जब इसे यूज करोगे जब आपको पता चलेगा कि क्या ये एप्लीकेशन है। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए थे तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। और अगर हाँ इसे सेव करना है तो यहाँ पर आप देखोगे ऊपर प्ले का एक बटन मिलता है, तो आप इसे प्ले करके भी देख सकते हो कि किस तरीके से जो कि चलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि अभी यहाँ पर मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हो इस तरीके से जो कि ये है। तो यहाँ पर इसे पहले कट करना है और उसके बाद सेव करना, तो आप इसे सेव कर सकते हो। यहाँ पर एक फोटो का आइकन मिलता है, इस पर क्लिक करोगे तो आपको जो कि सेव हो जाएगा। सो आज के इस वीडियो में इतना।